भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। मियाँ, ओ मियाँ, किधर मर गया कमबख्त? मियाँ, ओ मियाँ, मियाँ। ओहो, अरे भाभी क्या कर रही हो? खुदा का खौफ करो, अब तुझसे चौथाई उम्र के लड़के को मियाँ मियाँ करके पुकार रही हैं। उस कमबख्त के माँ बाप ने उसका नाम ही ये रखा है तो मैं क्या करूँ? भाभी उसका असल नाम है मियाँ लतीफ। अरे लतीफ लतीफ मुझसे नहीं बोला जाता और सब फिर उसको मियाँ ही कहते हैं। मगर आप ना बोला करें, जवान जहान औरत का एक जवान गैर मर्द को मियाँ मियाँ पुकारना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे तुझे शर्म नहीं आती बड़ी भावच के साथ ऐसी बातें करते हुए? अरे कहाँ की भावच, हमारे अम्मा अब्बा की जायदाद पे नागन बने बैठी हैं आप। सिर्फ तेरे अब्बा की जायदाद नहीं थी, तेरा एक बड़ा भाई भी था मेरा मियाँ। उस हिसाब से जितना तेरा हक है घर में उतना मेरा भी है। अबे तो जताती तो सिर्फ तुम अपना हक हो, और मेहमान खाने जो किराया आता है उसमें कूटी कौड़ी आपने हमें नहीं दी। आता ही कब है किराया? चार दिन से यहाँ कोई किराएदार फटका भी नहीं। तब चार दिन पहले फटका था उसमें से कौन सा हिस्सा दे दिया हमें आपने? खुदा गारक करे तुझे बाबू, कीड़े पड़े तेरी जुबान पे। भाई कबक हर दफा मुंह भर भर के झूठ बोलता है, हर दफा किराया आता है तू आधा ले जाता है और फिर तू हर दफा मुकर जाता है। अब हम क्या करें भाभी, आप हमसे बड़ी है, अब आपके झूठ बोलने पे हम तो नहीं कह सकते कि खुदा आपको गारत करे, आपके मुंह में कीड़े पड़े। माशाल्लाह, जहे नसीब जहे नसीब। भाई कहीं जाने की तैयारी है क्या? जहे नसीब तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहीं जा नहीं रही बल्कि कहीं से लौट के घर वापस आई हूँ। अरे आपके आने पे हम कोई जहे नसीब थोड़ी कहेंगे, वो तो हम कहेंगे गए नसीब गए नसीब। क्यों कहो? नहीं, वो असल में जबान फिसल गई ना ऐसे ही। अच्छा, वैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम किसी ना तेल के कुएं से निकले हो, कभी तुम्हारी जबान फिसल जाती है, कभी तुम्हारी नजर फिसल जाती है, और कभी तुम पूरे के पूरे ही फिसल जाते हो। अरे ऐसे थोड़ी, हम तो भाई मौका देख के जिस जगह जो मौका होता है वहाँ फिसलते हैं। अब देखिए आपके जाने के बाद हमें क्या मौका मिलता है फिसलने का। ओ, ज्यादा फजूल बातें करने की ना जरूरत नहीं है, मैं अब्बा जी के घर जा रही हूँ और वो भी इसलिए कि घर में कोई किराएदार नहीं है, इसलिए तुम्हारे फिसलने का ना खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई खतून किराएदार आई ना, मैं फट से वापस आ जाऊंगी। हाँ तो फट से वापस आने के बजाय वहाँ फट से फट क्यों नहीं जाएंगी आप? फट फट, अब आप जब वापस आएंगी तो आपके आने की खुशी में हम फूल के फट जाएंगे खुशी से। सलाम वालेकुम, हमारा नाम मियाँ है। वो एक अलग बात है कि आज तक मौका नहीं मिला किसी का बनने का, अगर आप मौका दे तो। भाई आप हमसे बात कीजिए, वहाँ मौका क्या तलाश कर रहे हैं? अच्छा आप भी इनके साथ है, माफ कीजिएगा आपको देखा नहीं मैंने। यहाँ हम इनके साथ नहीं, ये हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आप इनके हैं कौन? अरे मियाँ कोई सवाल यहाँ से भी शुरू कर लीजिए, हम इनसे नहीं ये हमसे हैं, ये हमारी साहबजादी है। शुक्र है साहबजादी। भाई हमने सुना है कि यहाँ कोई कमरा किराए पे खाली है। कमरा? अच्छा, इनको कमरा किराए पे चाहिए? इन्हें नहीं, हमें चाहिए। अच्छा तो आप भी इनके साथ रहेंगे? नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा मिल जाएगा कमरा, मिल जाएगा आपको? कभी ना कभी तो सुबह काम पे जाया करेंगे आप। यहाँ हैदराबाद से आए, हमारी जोजा 12वें बच्चे की डिलीवरी के सिलसिले में अस्पताल में दाखिल है। तो ये क्या 11वीं? नहीं नहीं, ये तो मियाँ दूसरे नंबर की है, पहले नंबर की तो वालदा के साथ है। यानी माँ बेटी एक साथ ही है? नहीं भाई, वालदा की तीमारदारी के लिए। हाँ मिल जाएगा, आप लोग अंदर चलिए, असल में मैं कुंडा निकलवा के आता हूँ, बिजली वालों की गाड़ी आने वाली है। फिर सुकून से बातें होंगी। बेटी तुम आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे भाई काम उठा के चले आ रहे हो, मस्जिद जो है दो गलियां छोड़ के है। अरे खातून आप गलत समझ रही हैं, हमें मस्जिद नहीं जाना हम तो। अरे वो भी मस्जिद के बराबर ही है, बाहर ना एक बड़ी सी मूछों वाला आदमी बैठा होगा, अगर दरवाजे वाले में जाओगे ना तो वो तुमसे 5% ले लेगा, और बगैर दरवाजे के जाओगे तो तुम्हें घूर के देखेगा। लाहौल बिलाकुवत भाई, हमें वहाँ नहीं जाना हम तो। भाभी इनको कमरा किराए पे चाहिए, इनको मैं लाया हूँ। तो ऐसे बात करो ना, आइए बैठिए। हाँ जी, कितने दिन के लिए कमरा चाहिए आपको किराए पे? भाई वो 1-2-3
चार दिन तो लगेंगे। ये किस चीज का हिसाब लगा रहे हैं आप? भाई वो हमारी जोजा फर्जंद की पैदाइश के सिलसिले में अस्पताल में दाखिल है, तो चार दिन तो लगेंगे। बड़ा हिसाब रखा हुआ है। और ये कौन है? भाभी ये इनकी बेटी है, दूसरे नंबर वाली। पहली नंबर वाली जो माँ के साथ अस्पताल में है। वो मैं इसलिए पहले पूछ लिया था कि इतने सारे सवाल आपको करने पड़ते फिर। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए कमरे का किराया 1000 रुपया रोजाना है, दो वक्त खाने के समेत। पर जिसमें कभी लूसन का जायका आएगा, कभी मिट्टी के तेल का आएगा। चुप करना, ये मौलवी है, सब कुछ खा जाएगा। खाना? अच्छा जी निकालिए 4000 रुपया। 1000 रुपए रोज, ये तो बहुत ज्यादा है। कमरा भी तो जाके देखे कितना आलीशान है, हर सहूलत है उसमें। वो भी 5-6 सितारा होटल वाली। 5 सितारा होटल वाली सहूलत, वो भी 1000 रुपए रोज में। लाइए लाइए पैसे लाइए। ये लीजिए 4। मेहरबानी शुक्रिया। या भाई इनको कमरा दिखा खिला। भाभी मेरा हिस्सा कितना होगा? पार्टी तो मैं लाया हूँ। तू चुप कर, तूने पार्टी भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या इनको कमरा दिखा। आइए भाई आइए, आ जाइए बस। बयानी की ये वो 5 सितारों वाला कमरा। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, भाभी की तो आदत है झूठ बोलने की। झूठ बोल के आपसे पैसे ऐंठ लिए उन्होंने। आपको हमें किराया देना चाहिए था, असल मालिक मकान के तो हम हैं। भाई भाभी से तो हम बाद में निमट लेंगे। वो मम्मी गुस्से में ना बेड में मौर शुरू हो गई है। ये बताइए कि बैतुल खला किस तरफ है? वो सामने वाला, वो वहां चले सीधा चले जाइए। क्या अच्छे मस्त मरोड़ उठे। मरोड़ तो मुझे याद आया कि तुम बाद में नहीं आ सकते थे? नहीं। अरे भाई बाथरूम में तो कुंडी नहीं है। भाई वो तो आपको घर से अपने साथ लेके आनी थी। भाई क्या मतलब कुंडी हमें घर से साथ लेकर आनी? भाई पहले होती थी यहाँ कुंडी। आपकी तरह एक दफा पहले एक मुल्ला आए थे, माफ कीजिएगा, एक मौलाना साहब आए थे। वो जाते हुए बाथरूम की कुंडी अपने साथ ले गए। जब से भाभी ने कहा कि जो भी यहाँ पे आए बाथरूम की कुंडी साथ लाए। भाई हमें तो मालूम नहीं था, वरना हम कुंडी साथ लेकर आते। ये आपके पास कुंडी होगी? होती तो बाहर से ना लगा देते। क्या मतलब? मतलब बता दिया तो फिर आप बाथरूम नहीं जा पाएंगे। अभी हम जल्दी में वापस आके पूछेंगे कि इसका मतलब क्या। आपका नाम क्या? जी हूर। बेकार है, आपको नहीं मिल सकती। क्यों बे? आपके अमाल ऐसे हैं आप हूर मिले। अरे मियाँ मियाँ यहाँ तो पानी ही नहीं है। भाई पानी के लिए पाना लाना होगा। पाना? क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि वही मौलाना साहब जो थे अपने साथ पानी की टोटी भी ले गए थे। हमने वहाँ पे बोल्ट कस दिया था। अब जब पाना आएगा, बोल्ट खुलेगा तो पानी आएगा। भाई अभी हम क्या करें, हमारे पास तो पाना नहीं है। अगली दफा आएंगे तो पाना लोटा कुंडी सब साथ लेकर आएंगे। भाई ला देते हैं, आइंदा ख्याल रखना। ज्यादा खुश मत हो, अभी आ रहे हैं। लकड़ी पाना खो जाए, आधे घंटे तक ना मिले। वैसे आप मौलाना साहब की दूसरे नंबर की साहबजादी? जी। खैर से उम्र क्या होगी आपकी? अरे ये पाना आया कि नहीं? अरे खामोश बैठिए, आ जाएगा एक आध घंटे में। हम पूछ रहे थे खैर से उम्र क्या होगी आपकी? जी 19 साल। हाँ हमें भी एक 19 साल दोशीजा की तलाश थी। किस लिए? अपनी बेटी बनाने के लिए। इनकी अपनी बेटी की उम्र भी 19 साल है, दो हो जाएंगी तो शायद ये बर्बाद होने से बच जाए। मैं जल्दी से ये पाना मौलाना साहब को दे दूं, वरना उनके हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। आपसे बाद में मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी आ गई तू, सुबह सुबह मैं के चली गई थी तू ऊँट आके। अब्बा ने रोका नहीं क्या? अरे मेरे अब्बा मुझे आने कहाँ दे रहे थे, मगर ये बाबू की हरकतें मुझे मैके में रहने कहाँ देती हैं। अरे जरा देर आराम को क्या, लेटी तो एकदम ख्वाब में बाबू आ गया। और पता है मैंने क्या देखा कि इस घर में ना किराएदार लड़की आई है और बाबू उसके पीछे पीछे तीसरी के चक्कर में है। है? लड़की? कैसी लड़की भाई, यहाँ तो एक वो मौलाना है दाढ़ी वाले। और उसकी बेटी भी तो है साहब। वो तो बच्ची है। अच्छा कितनी बच्ची है? वो इतनी है, इतनी है बाबू। अरे तालिक ओ भोगो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, एक मिनट जरा है, ये इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ये ले जा, ये मार इसके सर पे। हाँ ये दे। तो बॉस तब्बा कैसी हो? ठीक हूँ। आपको परेशान लग रही है? वो डिलीवरी में ज्यादा खर्चा आ गया ना, अब्बा के पास पैसे कम पड़ गए। तो बच्चा छोड़ दो, पहले ही बहुत है। मजाक मत करें,
आपके मुंह से मजाक अच्छा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए? मुझे तो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अब्बा ने हैदराबाद से पैसे मंगवाए और अब्बा का कहना है कि जो भी उन्हें 8,000 रुपए देगा ना, अब्बा उसके डबल करके देंगे, यानी कि 16,000 रुपए। डबल? 8 के 16,000? 8,000 भाभी के चुरा लेता हूँ, 8,000 जेब में रखूंगा। 8,000 रुपए? हाँ, मैं आपको शाम में 8,000 रुपए दे दूंगा। पक्का? पक्का। तो फिर पक्का है ना, आप 8,000 रुपए ले आएंगे? बस सिर्फ 8,000 रुपए की वजह से आप परेशान हैं? वो क्या है ना, अम्मा को अस्पताल से छुड़वाना है। अस्पताल वालों ने अम्मा को 8,000 रुपए के लिए गिरवी रखा हुआ है, और मेरे नन्हे मुन्ने से भाई को भी। यानी आपकी अम्मा को छुड़ाने के लिए हम 8,000 रुपए देंगे? ऐसे आपकी अम्मा है कैसी दिखने में? जी नहीं, हमारा मतलब है कि भाई आप जैसी खूबसूरत सी होंगी ना, अब आप क्यों फिक्र करती हैं, हम दे देंगे आपको 8,000। और हमें क्या परेशानी है, वैसे भी आप हमें डबल करके लौटाएंगी ना। अब बस नुकसान इधर उधर हो जाए तो हम उसके कमरे में घुस के 8,000 निकाल लेंगे और आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तब तक ये हकीर सा तोहफा हमसे कबूल कीजिए। आठ हजार अच्छा, तो तू है ना ही किराएदार? जी। वैसे उम्र क्या है तेरी? 19 साल। 19 साल? इसका मतलब खतरा बाकी है। वैसे 19 साल की लड़की की शादी 55 साल के बुड्ढे से हो सकती है? जाहिर है, जब 25 साल की लड़की 55 साल के बुड्ढे से शादी कर सकती है तो 19 साल वाली भी कर सकती है। तो मैं इससे बात कर, माँ हूँ तेरी मैं। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ 3 साल बड़ी माँ। सिर्फ 3 साल बड़ी माँ? क्या आपकी शादी जल्दी हो गई थी? बकवास मत कर। मगर ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 3 साल बड़ी माँ कैसे हो सकती है? और अगर तुम मेरे बाप से शादी कर लो तो बराबर की माँ भी हो सकती है। बराबर की माँ? ओए, क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई जा रही है उसको? उल्टी सीधी थोड़ी, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। और सुनो, तुम ना मेरे अब्बा से शादी कर लो, बहुत अच्छे आदमी है। ओए खबरदार, ऐसा सोची भी ना, बहुत ही बुरा आदमी है वो। हाँ बिल्कुल भी बुरे नहीं है, बहुत अच्छे है, बहुत सारी शॉपिंग कराते हैं बीवियों को, बहुत पैसे वाले हैं। अरे कंगले हैं बिल्कुल, टके टके को मोहताज हैं, घर का खर्चा भी ना मैं महके से आके पूरा करती हूँ। हाँ बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल रही है ये। इससे पूछो, अगर वो कंगले हैं तो उनसे शादी क्यों की? हाँ हाँ, आपने उनसे शादी क्यों की? चुप कर, तू कौन होती है मुझे शादी की वजह पूछने वाली? अभी शादी हुई नहीं, सवाल जवाब शुरू। अल्लाह मेरी तौबा भाई, बहुत ही कोई खतरनाक लड़की है। अभी भागी से ना तुझे निकलवाती हूँ, जानती नहीं है, रुक सहारे से पाला पड़ा है तेरा। भाभी जी, आप इन किराएदारों को यहाँ से फौरन निकाल दीजिए, बहुत ही खतरनाक लोग लगते हैं ये। काट लेते हैं क्या? अरे वो लड़की काटने के चक्कर में ही तो है। क्या? मेरा पता। क्या? मेरा मतलब है, मैंने पता कराया है मैंने कि ये लड़की और ये जिसका बाप बना हुआ है ना, ये लोग ना चोर है, लोग घर जाके नकदी और पैसा वगैरह सब चुरा के भाग जाते हैं। मेरी नकदी तक कोई नहीं पहुँच सकता, किसी की मिजाज नहीं है कि मेरे संदूक को हाथ भी लगाए। इतना बड़ा ताला लगा के रखती हूँ संदूक को, और चाबी जो है ना वो साथ तयों में छुपा के रखती हूँ मैं। संदूक में ना मैं आखिरी तय में भी छुपा के रखती हूँ पैसे, किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। अरे मेरे पैसे तो बहुत ही महफूज है भाभी, मैं तो दराज में ऐसे छुपा के रखती हूँ पैसे कि बाबू कभी पहुंच ही नहीं सकता। अरे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तकिए में भी नहीं है, इधर होंगे। नहीं यार, मिल गए। लेकिन हमें खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है भाभी, आप इन किराएदार को निकाल के फारिग करें। हाँ अरे चल चल, इतनी मुश्किलों से तो किराएदार मिले हैं, इनको भी निकाल दूंगी तो क्या भूखी मरूंगी मैं, क्या खाऊंगी? हाँ अलबत्ता ये बात है कि जब तू अपने बाप के घर अपना खर्चा लेने जाती है ना, तो मेरे लिए भी खर्चा ले आया कर, तब मैं निकाल दूंगी इन किराएदारों को। भाई हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। भाई बात दरअसल ये है कि हमारी जोचा की जचकी में इस दफा पैसे बहुत खर्च हो गए, तो हम चाह रहे थे कि अगर आप। ना बेटा, मैं ऐसे काम नहीं करती, अम्मी जिंदा थी ना तो 4 केस कर लिए थे मैंने उनके साथ, अब मैं सब कुछ भूल गई हूँ,
बेहतर है कि तुम ना अस्पताल में करवा लो केस। तो हमारा मकसद कि पूरे महीने का किराया दोगे मुझे और ऊपर से 16,000 रुपए भी वापस करोगे मेरे। जी भाई 10,000 तो ऊपर से भी देंगे। मुबारकी के। मुबारकी किस बात की? भाई फर्जंद की पैदाइश की। क्या क्या कहा तुमने? तुमने मुझे गरीब औरत समझा हुआ है? मैं जायदाद की मालिक हूँ, जायदाद की। भाई वो ठीक है, मगर आप बुजुर्ग है ना हमारी, तो हम अपनी खुशी से आपको 10,000 रुपए ऊपर से देंगे। ठीक है, मैं तुझे 16,000 रुपए दे देती हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद तुम 30,000 रुपया किराया और ऊपर से मेरे 16,000 रुपया और ऊपर का जो है 10,000 रुपया वो तुम मुझे जरूर दोगे। लेकिन ये सब कुछ बाबू को ना पता चले, उसको सिर्फ 4 दिन के किराए का पता चलना चाहिए। भाई आप फिक्र ही ना कीजिए। ठीक है, जो भी कहना है जल्दी से कह दीजिए, अब्बा सो रहे हैं। I love you. ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें तो कहा था जो कहना है जल्दी कह दीजिए। मैं तो समझी आपने 8,000 रुपए का बंदोबस्त कर लिया होगा और वो ही देने आए होंगे। वो तो मैं लाया हूँ, वो तो लाया हूँ मैं। तो फिर दीजिए ना, फालतू बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? I love you. फालतू बात है? इस वक्त तो है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लो भाई, यहाँ डिलीवरी के पैसे कम पड़ गए और आपको मोहब्बत की पड़ी है। ये कैसी मोहब्बत है हो कि जिसमें शादी से पहले डिलीवरी का खर्चा? और अब क्या कहा? कुछ नहीं, मोहब्बत की तो डिलीवरी का खर्चा तो उठानी पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब्बा उठ जाएंगे, मैं जा रही हूँ। मियाँ, ओ मियाँ, किधर मर गया तू मियाँ? अरे भाभी काहे को बुढ़ापे में इतना हल्ला फाड़ रही हो? क्या हो? आए हाय, ये क्या किया भाभी, इसको काहे को खोल दिया? अरे क्यों ना खोलूं, ये तेरे बाबा का संदूक है, ये मेरा संदूक है। भाभी जब ही तो कह रहा हूँ संदूक मत खोले, गजब हो जाएगा। ऊपर क्यों ना खोलूं? ऐसा ना हो भाभी कि आपको खोलते जोरदार झटका लगे और फिर दोबारा खोलना नसीब ना हो आपको। क्या ऑन फॉल पके जा रहा है? वो मेरी सुनहरी फ्रेम वाली जो ऐनक थी वो कहाँ है? पापा आप ऐनक को छोड़िए, जबान के नीचे रखने वाली गोली हाथ में रख लीजिए आप। क्यों, मैं कोई दिल की मरीज हूँ? हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है भाभी, और अगर अचानक सदमा पहुंच जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है भाभी। ना तो मुझे कौन सा सदमा पहुंचने वाला है? अब संदूक तो खोली चुकी है भाभी, सदमा कौन सा दूर रह गया? जरा से कपड़े उल्टे और 8,000 का झटका। 8,000 का झटका? 8,000 वोल्ट। अरे कमबख्त, तूने मेरे बक्से के नीचे पावर प्लांट लगाया हुआ क्या? 8,000 वोल्ट कहाँ से आएगा मेरे बक्से में? अब नहीं आएगा भाभी, शुक्र है लगा लाइट चली गई। क्या बके जा रहा था, मेरे तो समझ से बात हुई। अच्छा ना, चलो ठीक है, ओके। ओए रहमा बात सुन, तूने मेरी अलमारी में से पैसे निकाले, पूरे 8,000 रुपए कम है। मैं क्यों निकालूंगी? हाँ वो अब्बा ने निकाले। अब्बा ने निकाले? बाबू ने क्यों निकाले? लेकिन वो हूर को देने के लिए। क्या, बाबू ने मेरे पैसे निकाल के हूर को दिए? लेकिन क्यों? डिलीवरी के लिए। क्या कहा? ये क्या सुबह सुबह शोर मचाया तुम लोगों ने? तुमने मेरी अलमारी में से पैसे निकाल के हूर को दिए, वो भी डिलीवरी के लिए। कैसी हो रही है डिलीवरी? नहीं, ये हूर की डिलीवरी नहीं है, उसकी अम्मा की है। मेरे 8,000 रुपए से उसकी माँ की डिलीवरी क्यों हो रही है भला? तो तू 4,000 रुपए मुझसे ले ले, तेरा नुकसान कम हो जाएगा। क्यों, आप क्यों देगी इसे 4,000? नाना साहब ने 4 दिन का किराया और दिया है, मैं तुझे देने आ रही थी, लेकिन तूने इसका नुकसान करा दिया, तो अब मैं इसी को दूंगी ना। ना फिर सारा 6,000 रुपए तू मुझे दे दे, मैं 10,000 का नोट दूंगी तुझे। हाँ जी। आई अम्मा जी, 10,000 का नोट कब होता है? नहीं होता, पर मैंने अपना नुकसान कम किया है। क्या मतलब? रात को मुलाना साहब और उसकी बेटी भाग गए हैं, मुझसे भी 16,000 रुपए ले गए डिलीवरी का कह के। देखो ना, 4,000 रुपए तो उसने मुझे दिए थे, लेकिन 12,000 मेरे ले गया वो, इसलिए 6,000 रुपए मैंने तुझसे ले लिए हैं। नुकसान आधा आधा हो गया, 6 तेरे 6 मेरे। 14,000 का नुकसान हो गया तुम्हारा। अरे भाभी नुकसान है, भाभी से पैसे लेने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। क्यों, तुझसे क्यों पूछते? भाभी मैं आपको डूबी हुई रकम का सही हिसाब बताता कि आपको बाबू भाई से अब 6,000 नहीं बल्कि 10,000 का हिसाब लेना। मगर क्यों लेती 10,000 रुपया? भाभी इसलिए कि नुकसान 12,000 का नहीं 20,000 का हुआ है। वो कैसे? 8,000 रुपए मैंने आपके संदूक से निकाल के हूर को दिए थे भाभी। सत्यानाश हो तेरा, 20,000 रुपए का नुकसान करा दिया तूने। निकाल मेरे 14,000, मारो इनको, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान।